सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है, स्टेट बैंक में है, और आप दोस्तों उसकी योनो एप्लीकेशन का यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप योनो एप्लीकेशन का एमपिन चेंज करना चाहते हो तो कैसे आप उसे चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनका एमपिन दोस्तों काफ़ी लोगों को पता लग जाता है जैसे वो चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने योनो एप्लीकेशन के एमपिन को चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन से ही सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर, जिसमें दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ लाइव, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे तीन, आपको सबसे ऊपर वाले पर लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटर एमपिन डालने का ऑप्शन आएगा, जो दोस्तों हमारी पुरानी वाली एमपिन है, आपको पहले वही डालनी है। तो दोस्तों मैं चलिए यहाँ पे पहले अपनी पुरानी एमपिन डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसमें अपनी एमपिन डालोगे तो ये दोस्तों ओपन हो गया, आप सामने आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें अपनी ये एमपिन कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जाना है सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर, जो आपको दिख रहा होगा नीचे आके, इस पर जाना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आप ऑप्शन आएगा आपके सामने मैनेज पिन का, आपको दोस्तों इसी पर क्लिक करना है मैनेज पिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों अपनी पिन चेंज करनी है एमपिन, तो आपको चेंज पिन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालने का। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, जो दोस्तों आपने अपने इंटरनेट बैंकिंग बनाते टाइम बनाया था। तो चलिए दोस्तों पहले मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको अपना पुराना वाला एमपिन डालना है, आपको दोस्तों वहाँ पे वही पिन डालना है जब आपने अपनी आईडी को ओपन किया था। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पे अपना एमपिन डालता हूँ पुराना वाला, जो ये मैंने आप यहाँ पे आपके सामने डाला था। ये डालने में दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डालता हूँ, यानी दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी नई पिन डालता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों मैं डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ फिर से नई पिन डालनी है, यानी जो पिन आप दोस्तों इस बॉक्स में डालोगे आपको वही पिन आपको इस वॉलेट में डालनी है। तो चलिए दोस्तों मैं पहले यहाँ पर मैं पिन डालता हूँ नई वाली, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी नई पिन डाल दी है दोनों बॉक्सों में। अब मैं आपको दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस फोन पे मैसेज आ चुका है कि हमारी जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी योनो SBI एप्लीकेशन की एमपिन को चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से ही कुछ ही मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी योनो एप्लीकेशन की एमपिन को चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से ही घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।